वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग की शुरुआत करेंगे हमारे बच्चों के साथ। आज है मेरी छुट्टी, कल भी है मेरी छुट्टी, तो वी विल एंजॉय विद किड्स। तो आज हम प्लान बना रहे हैं गाइस कि हम लोग जाएं कुछ खा के आएं बाहर जाके। सो अब देखते हैं हम कहाँ जाते हैं खाने के लिए। अभी तक हमारा कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ। हमारी आरना मैडम रूस के बैठी है, वो कह रही है आज मुझे क्रिसमस पार्टी में जाना है पापा। मैं बोला नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा गाइस, क्योंकि वो जहाँ जा रही है मैं जानता नहीं वो कहाँ जा रही है। जब तक मेरे पास फोन नहीं आया किसी का, तो मैं अपने बच्चों को कैसे भेज सकता हूँ? तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्या मुझे भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए? नहीं भेजना चाहिए ना। ये देखिए, ये पीछे से बोल रही है भेजना चाहिए। क्या करना चाहिए? भेजना चाहिए। तो क्रिसमस पार्टी आपकी मैं ही सेलिब्रेट कर दूं तो मुक्का मारूंगी। तो जानते हैं हमारी मैडम की राय, ये क्या कहती है इस बारे में, क्या बच्चों को भेजना चाहिए? मैडम नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि अपने पास कॉल ही नहीं आया तो कैसे भेज दें? सही बात है, कैसे भेज दें यार, वो कल रात से रूसी पड़ी है। अब वो देखो, अब हमने गाइस अंदर की टीवी बंद करी तो उसने बाहर जाके टीवी चला ली सुबह उड़ते ही। अर्ली इन द मॉर्निंग उसका वही क्वेश्चन था, पापा पापा क्या मैं क्रिसमस पार्टी में चली जाऊं? मैं बोला नहीं बेटा, आपको नहीं जाना है। अगर इनकी बात नहीं मानो तो ये नाराज हो जाते हैं, और इनकी बात टोल्ड पापा लो तो ये खुश रहते हैं। पापा मेरे इंग्लिश में आउट ऑफ 35 32 नंबर आए हैं। तो मैंने बोला नो, आई वांट 35 to 35। चलो वो तो कोई बात नहीं है, ये 32 नंबर भी अच्छे हैं, स्टिल मेरे को उससे अच्छी एक्सपेक्टेशन है। सो अब देखते हैं क्या होता है गाइस। अभी तक तो बहुत ज्यादा रूस के बैठी है, उसको मनाते हैं उसको हमने बोला चल बेटा कुछ खाते हैं रात को भी उसको बर्गर। जो हम सिगड़ी पे खाना बनाने की बात कर रहे थे, और आज बनाएंगे, क्योंकि आज सब घर पे है। आज हम बनाएंगे अंगीठी पे खाना, और आविया खाएगी खाना। तो क्या बनाएंगे, दाल बाटी बनाए उस पे या क्या बनाएंगे आज? यार दाल बाटी बना दो तो मजे आ जाए भाई। सिगड़ी पे कैसे बनाएंगे? दैट इज ऑल्सो ए बिग क्वेश्चन। तो आज है ना, हम ऐसा करते हैं सोनिया, हम बनाते हैं मक्की की रोटी, सरसों का साग, मजा आ जाएगा, है ना अव्या? ये खाती नहीं है ना मक्की की रोटी, ये खाती नहीं है, ये तो दिमाग खाती है। मक्की की रोटी कहाँ खाएगी? इसका दिमाग खाने में मजा आ जाए। ये देखो चॉकलेट चाहिए रात को, भाई साहब इसने इतनी डिमांड करी, पापा पेस्ट्री खानी है, पेस्ट्री खानी है, तो इसके लिए पेस्ट्री मंगानी पड़ी मुझे। खाई ना पेस्ट्री? नहीं पेस्ट्री खाई नहीं खाई आपने? कैसी लगी आपको? अच्छी लगी। बताइए मनाते हैं, उससे बात बात करते हैं, अगर वो रूस के बैठी है तो हमारा पूरा दिन खराब चल जाएगा। चलो तो उसको मनाते हैं। कौन से वैसे ही घर पे नहीं रहते सब। चलते हैं आरना को मनाने, पता नहीं वो मानेगी नहीं मानेगी, लेट्स गो। अब हम बिस्तर से उठते हैं, देखते हैं आज हमारी आरना मैडम मानती है नहीं मानती है। देखते हैं। चले देखिए गाइस, रात को बर्गर और पेस्ट्री खाने के बाद भी यही हाल है इसका। ये देखिए हमारी रोसोड़ी भाई, देखिए इसका मुंह देखिए, क्या हो गया अन्ना ऐसा है? ऐसा क्या हो गया? स्वेटर तो पहन लो, ठंड हो रही है। मैंने तो दो दो पहन रखे, एक भी अंदर पहना है। क्या समझा ले तेरी बेटी को? क्या करो तो अभी तो अंदर ही बैठी थी, अभी आई है बाहर, इसलिए पहन रखा है। आवे दीदी को समझा ले। आना चले के कहीं बाहर चल के आए, घूम के आए। गाइस देखो कोई रिएक्शन नहीं है, रुशोड़ी भाई का कोई रिएक्शन नहीं है। देखिए कोई एक्सप्रेशन नहीं है गाइस, मम्मी कर रही है इसकी पूरी कोशिश लेकिन कोई एक्सप्रेशन नहीं है रोशोड़ी भाई के। देखिए देखिए देखिए, थोड़ी थोड़ी हंसी है भाई, हंसी है तो फंसी है। तो गाइस जैसे कि आपको पता था आर्णव नाराज हो रही थी हमसे, तो अब वो मान गई है, और आपको दिखाती हूँ क्या कर रही है। ये देखिए मैगी खा ली है, तो इसके मैगी बना दी तो ये खुश हो गई अब, है ना? अब तो नाराज।
नाराज नहीं है? तो पापा का मुंह सूज गया। नहीं नहीं पापा भी खुश है, सब खुश है। अब सब मैगी खा रहे मिलके, क्योंकि ठंड में मैगी खाने का मजा कुछ और ही है। ये भी अंदर भी मैंने चाय बन रही हम दोनों के लिए। ये चाय बन रही है हम दोनों के लिए और ये है हमारी मैगी। तो खा लेते हैं, वैसे मैगी हम कम ही खाते हैं पर कभी कभी तो चलता है, इसलिए यहाँ पे ये मूवी देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं मैगी। तो गाइस पहले मैगी खा लेते हैं फिर बात करते हैं आपसे। गर्म ठंडी होने पे भी मजा नहीं आएगा। कि मम्मी दे रही है इनको क्रिसमस का गिफ्ट ताकि ये वहाँ बच्चे को किसी को दे सके। दे दिया आपने? हाँ। छोटा बैग देते ना, इतना बड़ा बैग क्या करोगे? छोटा तो है ना। हाँ छोटा तो यार, इतना बड़ा बैग क्या करोगे? चलो अबे तो मैं दूसरे में देती हूँ। यहाँ मम्मा कर रही है आव्या को तैयार, शूज वूज पहन दिया। आव्या आव्या आर यू एक्साइटेड? हाउ मच? बहुत सारा। हमेशा इसको जूते में दिक्कत ही आती है तेरे को, है ना? तो यहाँ ये और गाइस आज देखो, आज छोरी काई करी मार दिया। इसको मेकअप को हटा, अच्छा नहीं लग रहा। आजकल का छोरा तो ना तो मेकअप पसंद आवा लाग गया ना, काई केवा भाई। हम तो छोटे थे ना, हम कुछ भी मेकअप नहीं करते थे, इतने स्मार्ट लगते थे। अच्छा सीरियसली? ओह माय गॉड, कुछ भी मेकअप नहीं करते थे। ये पता नहीं क्यों करती, इसको भी जरूरत नहीं है। अरे ये तो बहुत खतरनाक है। ये देखो आव्या रानी बिल्कुल तैयार करी है जाने के लिए। आव्या आर यू रेडी? क्या लगा रहे हो आप, दिखाओ कैसे लगाते है। अरे वाह यार लिप बाम लगा रहा है। पता नहीं यार आजकल के बच्चे हैं भाई, तेरे बच्चे हैं तो जानती होगी क्या क्यों करते हैं मेकअप। सब देख देख के कि मेकअप करेंगे तो अच्छे लगेंगे, मेकअप से थोड़ी ना अच्छे लगते हैं। नेचुरल ब्यूटी सबसे अच्छी लगती है। सीरियसली? हम लगते हैं। तो तू भी मत करे कर। मैं कहाँ करती हूँ, बहुत कम करती हूँ, बहुत कम। ये देखिए ये तो मैं नाम लग रही है, लाल होगी ना बेटा। मैं कह रही हूँ एक गाल ज्यादा लाल हो गए, कम है। ऐसा लगा एक गाल पे चांटा ज्यादा लगा है। क्यों आ गया? तो गाइस हमने भी सोचा है कि बच्चे जब तक बाहर गए हैं तो हम भी थोड़ा बहुत बाहर घूम के आते हैं। बस रेडी हो गए हैं, थोड़ा बहुत घूम के आते बाहर। चलो फ्लेक्सिंग।